कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह, गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रियांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। अगर फ्री व्यवस्था नहीं करें तो क्यों आए माँ? फ्री में अगर कुछ काम हो रहा है, दोनों काम बन रहे हैं, यहाँ भी काम बन रहा है, वहाँ भी काम बन रहा है। यही तो आचार्य भगवान आज आपको समझा रहे हैं कि आप अपना पुण्य का काम कैसे बना सकते हैं। ये तो मोक्ष की गाड़ी चला रहे हैं। फ्री में देखो डीजल किसका लग रहा है भैया? गांधी जी, गाड़ी चलाने वाले का पैसा उसका लग रहा है। वे तो जा रहे हैं और धीरे से पकड़ लो उसकी गाड़ी, बैठ जाओ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए। अरे थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए तो शिखर जी पहुंचते कि नहीं? 50 लोगों की सीट थी, अरे 2-5 तो ऐसे ही बिल्कुल वो बीच में सो जाएंगे, हम तो चलेगा। काले जी कितना एडजस्टमेंट करके शिखर जी के लिए बिल्कुल पहुंच जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कुछ नहीं करना माँ, अभी हमारे पास पैसा नहीं है टिकट के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो जा रहा है उसके साथ में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अभी आपकी सामर्थ्य नहीं है सिद्ध पद की यात्रा करने के लिए, लेकिन जो सिद्ध पद की यात्रा है भैया उसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। यही बात यहां चल रही है पंडित जी, ये श्रावक की क्रिया। आप दिगंबर क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनियों के उपासक हैं, इसलिए दिगंबर हैं। ऐसे ही मां, जैसे अर्पित किसी अपराधी के अपराध में साथ दोगे तो पाप बंधेगा कि नहीं? अपराध की अनुमोदना करोगे तो पाप बंधेगा कि नहीं? अपराध के साथ साधन जुटाओगे तो पाप बंधेगा कि नहीं? बस ऐसे ही कह रहे हैं, ये श्रवण महान कार्य को करने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इनका सहयोग करते जाइए, इनकी अनुमोदना करते जाइए और महापुण्य का अर्जन करते जाइए। एको करेदि पुण्यम धम्म निमित्तम पत्त दानेण, पात्र दान से मां महापुण्य होता है। काला जी जगत में चार तरह के लोग दिख रहे हैं। एक वे हैं मां जो पुण्य और पाप में अंतर ही नहीं जानते। भैया सब लोग सुनना और अपनी स्थिति देख लेना, आज वर्तमान की स्थिति यही है कि पुण्य क्या है पाप क्या है, मुझे तो घर चलाना है और उसमें जो होता है उसको लोग पुण्य मान बैठते हैं, यानी जो घर चलाया जाता है उसमें पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। मां जितनी किटी पार्टी जाते हो ना, ये पुण्य की क्रिया है ना, चाहे मंदिर के नाम से करो, चाहे सोशल ग्रुप के नाम से करो, यानी नाम कुछ रख देने से तुम्हारे को वह प्रतिक्रिया वह फल नहीं मिलता है। नाम महावीर रखने से कोई महावीर नहीं हो जाता है। इसलिए धर्म के नाम पर जो क्रियाओं में आप लिप्त हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म करने आते हैं और पाप कमा कर चले जाते हैं? बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब हम धर्म का बहुत अच्छा स्थान बनाया और घूमने जा रहे हैं गोवा। गोवा जी यानी गोवा जी, हाँ जैसे महावीर जी। भैया आप धर्म के नाम पे महावीर जी जाते, शिखर जी जाते, गिरनार जी जाते तो वहां पुण्य बंद होता। अब धर्म के नाम पर ही पाप करते हो और कहते हो धर्म कर रहे हैं, धर्म का नाम मात्र होता है, वहां आकर बुलौआ करते हो और बुलौए में हाउजी खेलते हो, हाँ तंबोला खेलते हो। अब जो है ऐसा नहीं करते ना आप लोग, आप लोग तो जयपुर वाले दिगंबर हो ना भैया। अब समझना भैया, अपराध कोई कर रहा है उसके साथ खड़ा होना अपराध है या नहीं? मां आप नहीं खेलते ना, लेकिन उस संस्थान में खड़े हो जिसमें यह प्रक्रिया हो रही है, आप भी अपराधी हो। भैया आपने साधन दे दिया, हमारे घर में स्थान है, भैया आ जाओ, सब यहां मिलके रात्रि में भोजन करेंगे,
अभक्ष का सेवन करेंगे। मां आप लोग नहीं करते ना, आप लोग तो नहीं करते ना, और करते हो थोड़ी भी अगर समझ में आ रही हो बात कि हम धर्म के नाम पे कहीं अधर्म की ओर तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। भैया रात्रि में भोजन दे रहे मंदिर का कार्यक्रम और रात्रि में भोजन चल रहा, रात्रि में भोजन तो क्या अभक्ष का सेवन चल रहा, और ऐसे स्थानों पर हम पार्टियां देते अथवा धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठानों को करते जहां पर मांस के पिंड भी रखे हों तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्म के नाम पर अधर्म क्यों कर रहे हो। मां नहीं करते ना अपन ऐसा, आप लोग तो जैन हो ना, वो पहले वाले जैन, हाँ पहले वाले जैन के लक्षण बताए थे, पहले बताए थे फिर बाद में बताए थे हमने, तो पहले वाले जैन हो ना आप, भूल गए। रात्रि में पानी, रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना और नित्य प्रतिदिन देव दर्शन करना, इसका नाम जैन है। ये पाप की प्रक्रिया, इसलिए तो आप नहीं करते हो। यानी जितने लोग हैं जो पीछे भी बैठे हैं वे ज्ञानी, ये पाप बनता है ना, युवाओं से भी पूछना है बेटा ये करेंगे रात्रि में भोजन करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो पाप बंद होगा, अभक्त का सेवन नहीं करेंगे तो पाप बंद होगा, सत्यनामा इसलिए तो आप करते हो क्योंकि आपको पुण्य बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है इसलिए रात्रि में भोजन करते हो, पुण्य बढ़ाना है इसलिए बिना छना पानी पीते हो, नहीं तो हम पुण्यशाली कैसे देखेंगे कि हम बड़े घर के हैं। आप तो पुण्यशाली हो ना, सब बड़े घर के हो, इसलिए तो रात्रि में स्टेटस कैसे दिखेगा। यानी युवाओं ये तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है, ये तुम्हारा पुण्य दिख रहा है कि पुण्य को जलाने में लगे हो। देखना भैया पुण्य स्टेटस जो तुम्हें मिला हुआ है, जिन कुल का स्टेटस या फिर समृद्धशाली संपत्तिशाली परिवारों का जो आपको पुण्य की नियोग से मिला है ना कि पाप से मिला है, नहीं सुनाई दे रहा और तेज कर दो भैया, सुनाई नहीं दे रहा इनको, आवाज ही नहीं आ रही इनको, नहीं ठीक है आप उनको आ रही भैया हमारे कान खराब हो जाएंगे, वो तो करने लगे, आपको नहीं आ रही ना आवाज पीछे वालों को, अच्छा या तो समय तो नहीं हो गया, इंतजार कर रहे महाराज जी कब खत्म हो और ऊपर के लिए रास्ता कब खुले। देखो ज्ञानी जो है, मां पुण्य से संपत्ति मिली, पुण्य से उच्च कुल मिला, पुण्य से संपत्तिशाली संस्कारवान परिवार मिला, तो पुण्य से मिला तो आपको यह पुण्य पसंद नहीं है ना, पुण्य पसंद नहीं है, इसलिए तो इसको बताने के लिए कि हम बड़े परिवार वाले हैं हम रात्रि में भोजन करने जाते हैं, हम बड़ी होटल में जहां पे मांस के पिंड रखे हैं वहां अपने बच्चों को भेजते हैं, क्यों हम बड़े लोग हैं और अध्यक्ष मंत्री कौन है, मंटी भैया अध्यक्ष जी, यानी सबसे ज्यादा काम बिगाड़ते हैं, नहीं अध्यक्ष मंत्री नहीं मतलब सबको पता है हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, यानी जितने पदाधिकारी होते हैं पद की गरिमा रखना पड़ेगी भैया, अगर जिन कुल के आप गरिमावान अध्यक्ष मंत्री हैं उसी को इस पद का अधिकारी होने शोभित होता है जो रात्रि में भुक्ति नहीं करता है, जो पान के ठेले पर मुख में लालिमा लेके घूम रहा हो, जो सिगरेट बीड़ी पीने के स्थान पर खड़ा हो, और यहां तक कि जो मदिरालयों में खड़ा हो, वह जिन शासन के जिनालयों का अध्यक्ष मंत्री होने की योग्यता के बाहर है, जो है अब जितते हो और खबर भिजवा देना पूरे जयपुर में, जयपुर में ही नहीं आशीष भैया, आज तो आपके पास बहुत सुविधा है, वो आदिनाथ वाला भैया बैठा है, भैया ये खबर तो जल्दी से जल्दी भिजवा देना, जितने हैं इनका पुण्य बड़ा हुआ है ना इसलिए ये पाप तीव्रता से करते हैं,
और माँ ताली बजी थी अभी, अब इनकी बात कर लेते हैं। ये हंसने लगे। देखो दूसरे की बात आए तो बड़ा मजा आता है। ज्ञानी बस यही तो समझना है, हम पाप किए जा रहे हैं और दूसरे को पाप में जाते देखते तो बड़ा मजा आता है, लेकिन खुद विचार नहीं करते हैं कि हम कितनी पाप की ओर जा रहे हैं। माँ महाराज जी ये बात मत करो, आप तो मुनि की बात कर रहे थे, श्रावक की बात मत करो। काला जी मुनि कैसे होते हैं, मुनि को कैसा होना चाहिए? आशीष भैया इसकी बात होना चाहिए, श्रावक की बात नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं तो हम कल से इतने दिख रहे हैं, कल से महाराज जी कम हो जाएंगे। सत्य तो यही है, अर्पित सही है ना? यानी तुम भले ही कम हो जाओ लेकिन सत्य को झुटला के तुम कम भी हो जाओगे तो तुम्हारा ही भला नहीं होगा। जो सत्य है उसको जितनी जल्दी सत्य स्वीकार करोगे उतना अपना कल्याण होगा। चार लोग थे भैया, चार तरह के लोग थे। एक वो हैं जो पुण्य और पाप में अंतर नहीं जानते, वे अज्ञानी लोग। आप लोग जानते हो ना? जानते हैं महाराज जी, एक जानते हैं। आप लोग तो सब जानते हो ना कौन सी क्रिया पुण्य की है कौन सी क्रिया पाप की है। रात्रि भोजन पुण्य की क्रिया, पानी छान के नहीं पीना पुण्य की क्रिया, मंदिर नहीं आना पुण्य की क्रिया। इसलिए तो बच्चों को आप स्कूल भेजते हो लेकिन उसका पुण्य बढ़ाने के लिए मंदिर नहीं भेजते हो, पुण्य की क्रिया। सत्य ना महाराज जी? जैसे ही कोई बोले झांझी जी, अगर किसी बच्चे को आए और हमने बोल दिया कि भैया रोज मंदिर जाया कर, तो माँ पीछे से कहती बेटा सुबह 6 बजे से स्कूल जाना पड़ता है। माँ दुश्मन हो क्या अपने बच्चों की? अगर कोई बाहर जॉब कर रहा है, जतिन अगर बाहर जॉब कर रहे हो और कहीं ऑफिस है और तुमसे बोला बेटा मंदिर रोज जाओ, तो माँ कहती बहुत दूर है महाराज जी। बेटा कमा किस लिए रहे थे? पाप करने के लिए कि पुण्य में भी थोड़ी राशि लगा दोगे तो पुण्य बढ़ जाएगा। माँ आप तो समझदार हो ना, पुण्य और पाप में अंतर जानते हो ना? देखो पहले तरह के लोगों से मिल रहे हैं, पुण्य और पाप में अंतर नहीं जानते वे कौन? अज्ञानी। पुण्य और पाप में अंतर तो जानते हैं लेकिन करते पाप मिलते हैं वे लोग हैं आसक्त लोग। आप कौन से में आ रहे हो? दूसरे पड़ोसी को नहीं देखना, दिक्कत यही हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तुरंत देखते हैं पड़ोसी क्या करता है। अरे पड़ोसी जो करेगा उसका फल वह प्राप्त करेगा, यही तो गाथा कह रही है। इक्को करे दी पुण्यम इक्को करे दी पापम। भैया आशीष भैया ऊपर माता जी को भेज देना, पेट तुम्हारा भरेगा ना। बंटी भैया ऊपर की व्यवस्था में देखो, सामने दिखा रहे हो आप सब चीजें, अब तो ऊपर जो व्यवस्था बनाई है इसमें आपकी सासू की बिटिया को भेज देना, ठीक है, पेट आपका भरेगा ना। अरे बताओ ना ज्ञानी, पेट आपका भरेगा ना? क्यों? आप तो ऐसे ही करते हो, यदि कोई कार्यक्रम हो धार्मिक, भैया तू चले जाना मैं नहीं जा पाऊंगा, तो यहां भी बोल दिया करो कभी कभी कि तुम भोजन कर लेना हमारा पेट भर जाएगा। यानी यही तो गाथा एकत्व भावना कह रही है। मां 12 भावनाएं तो अनेक बार पढ़ ली, जो जो करता है उसका फल उसको मिलता है और हम नहीं करते हैं इसलिए हमें वो फल नहीं मिलता है, और पाप करते हैं तो पाप का फल कौन भोगेगा? कोई दूसरा भोगेगा क्या? तो पाप आप नहीं कर रहे ना, पाप का फल कोई नहीं चाहता। यानी अर्पित पाप का फल कोई नहीं चाहता और स्वयं पाप करते हैं अथवा पाप करने वाले की अनुमोदना में खड़े रहते हैं अथवा पाप करने के लिए साधन जुटा देते हैं। मां शादी के कार्ड आ रहे हैं ना घर में, बहुत शादियां हैं, कार्ड आ रहे ना, सबकी कार्ड का महाराज जी व्यवहार निभाने जाना है। मां खूब व्यवहार निभाओ और खूब पाप का बंद करो। और बंटी भैया ने कहा कि दो दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, उनके लिए चौका लगाना है, हमें पार्टी में जाना है, हमारे घर में फंक्शन है, महाराज जी को आहार कराने के लिए किसी और को देख लो।
भैया सत्यता से परिचित हो जिए कि हमारी प्रवृत्ति यदि चार दिन में चार कार्ड नहीं 16 कार्ड आए हुए हैं तो 16 की अनुमोदना करने अगर गए हैं और नहीं तो 4 महीने बाद का कार्ड है तो आज से रिजर्वेशन है। भवनलाल जी शादी का निमंत्रण 3 महीने बाद है, रिजर्वेशन काउंटर खुल गए हैं। रिजर्वेशन हो गए कि नहीं पंडित जी? महाराज जी मिलते नहीं है, पहले से करना पड़ता है। ऐसे ही माँ मिलता नहीं है दिगंबर मुनियों का योग, जब से आने की संभावना दिखे सबसे पहले यह कहाँ बोल पाते हो कि मेरे घर में शुद्ध भोजन बनेगा और दिगंबर मुनि मेरे घर आएगा। हाँ नहीं तो बंटी भैया कहें कि 2 चौके लगा लेना और यहां से अनाउंसमेंट करने लगे आजकल। आशीष देख लेना भैया ये दिगंबर योगी हैं, किसी पुण्यार्जक परिवारों के यहां भोजन करने नहीं जाते। जानजी जी ये परंपरा तोड़ना पड़ेगी। श्रम कर रहे हैं, गाड़ी फ्री की जा रही है, बैठने में क्या जाता है? माँ गाड़ी शिखर जी फ्री में जा रही है, जाओगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे महाराज जी। ओ शिखर जी में नहीं जाएंगे, हाँ इधर पास में 90 किलोमीटर पे कोई स्थान है। हाँ ये जो सब हार गए हैं ना, ये सब हारे हैं तो इनको सहारे की आवश्यकता होती है, तो 90 किलोमीटर फ्री की गाड़ी में बैठने को कौन तैयार नहीं है? भैया हारे लोग हैं इसलिए फ्री में मिलता है, इसलिए तुरंत भैया वहां जाओगे तो पाप बंध की प्रक्रिया ही प्रारंभ रहेगी और योगी की गाड़ी चल रही है। ये जा रहे हैं सिद्धालय में गजेंद्र भैया, बैठ जाओ कुछ नहीं, ज्ञानी ध्यान रखो अपराधी को वाहन दोगे तो वाहन वाले को पकड़ने आएगी कि नहीं शासन? ऐसे ही माँ ये श्रवण परंपरा, ये दान देने से तुम्हें क्या पुण्य मिलता है? दिगंबर योगी तो सिद्ध शिला में जा रहे हैं, फ्री में गाड़ी जा रही थी, बैठ जाओ दान दे दो अपना साधन लगा दो और तुम्हारा यात्रा और तुम्हारी यात्रा फ्री में ही हो रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।